समाजातील व्यसनाधीन युवा पिढीला दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने विनायक नगर गणेशपूर रोड परिसरामध्ये अरेना फिटनेस जिमचे सेंटर प्रारंभ करण्यात आले आहे। समाजसेवक मलेश चौगुले, महेश शिंगर व पृथ्वी सिंग फाउंडेशनचे अध्यक्ष पृथ्वी सिंग हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। या पाहुण्यांच्या हस्ते अरेना फिटनेस जिमचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। यावेळी बोलताना पृथ्वी सिंग म्हणाले की शरीर सुदृढ बनवण्यासाठी युवा वर्गाने जिमला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, तरच आरोग्य निरोगी राहते असे म्हणत त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत। जिम बंद होने के बाद में कोरोना से पहले जिम बंद हो गया था और उन्होंने फिर से एक छोटा सा होटल इधर है, वो होटल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने वो होटल लेके क्या नाम था, अरेना ही था उसका होटल का नाम भी। तो उन्होंने होटल लाइन में जाने की कोशिश की, चलाने की सोचा उसके बारे में, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे सोनार कारीगर जो जैसे होता है, जो सोना बनाता है, वैसे किशोर खुद बॉडी बिल्डर है और बॉडी बिल्डर बनाता है। तो इसके लिए उन्होंने फिर से अपना होटल बंद करके ये अरेना फिर से जिम स्टार्ट किया और अभी ये जिम चालू है। और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेलगाम श्री और सतीश शुगर वगैरह में कंपटीशन में जाके काफ़ी गोल्ड मेडल और काफ़ी उन्होंने ऐसे इनाम जीत के लाए हुए हैं। तो वो बचपन में हमको याद आता है कि किशोर किसी के साथ बात नहीं करता था जिम में, सिर्फ उसका काम सिर्फ एक था कि आना, अपना वर्कआउट करना, अपना फिजिकली मेंटेनेंस कैसे करना और मैं कैसे बेलगाम शरीफ बनूं। पहले तो सबसे पहले उसने हिंदलगा शरीफ की है, ये उसको याद नहीं है, उसको याद मैं दिला रहा हूँ, क्योंकि हम उसके साथ जाते थे जब उसने फर्स्ट हिंदलगा शरीफ उसने जीती थी, उसके बाद में फिर उसने बेलगाम शरीफ जीती थी। तो ऐसे उसका जो बॉडी बिल्डिंग का दौर था वो चलता गया, बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी उस टाइम पे, अभी थोड़ा सा मोटा हो गया है, चलो आपके साथ लगा हुआ है तो अच्छे से वो भी अपनी बॉडी को फिर से शेप में ले आएगा और बहुत जल्दी ले आएगा, क्योंकि वो होनार था और वो सिर्फ अपने शरीर के ऊपर ध्यान देता था। हम लोग तो सिर्फ मस्ती करने को जाते थे उधर, थोड़ा सा डंबल कर लिया, थक गए बैठ गए, कुछ ट्रेडमिल कर लिया, कुछ चेस्ट मार लिया, कुछ बाइसेप मार लिया, कुछ ट्राइसेप मार लिया, ऐसे ही करके हम टाइम पास निकालते गए। लेकिन हमारे सबसे बीच में से वो निकल के बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बना। आज मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा दोस्त आज उसने फिर से जिम रीओपन करके और सबको जो नशे से मुक्त करने के लिए, जो अपना शरीर बचाने के लिए, आज जो पीछे जो युवा खड़े हैं उनको एक उपहार बोल के, गुरु बोल के अपने तरफ से जो दे सकता है वो दे रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर सलामत तो टोपी हजार हो, अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप कोई भी नौकरी के काबिल नहीं रहोगे। और ये इसके लिए ये जो शरीर है इसको बचाना बहुत जरूरी है। यावेळी जिमचे मालक किशोर चौगुले यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले, तर यावेळी बीके गंगराळी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष एलओजी पाटील सह युवा वर्ग उपस्थित होता। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव।